हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और आज मैं आपको ये खूबसूरत प्लांट्स दिखा रही हूँ, वो भी कटिंग से लगाया हुआ। अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस प्लांट्स को लगाए, ये एक मंथ हुआ है और अगस्त की शुरुआत में मैंने इसकी कुछ कटिंग्स लगाई थी गाइज। और आप देख सकते हैं कितना ईजिली हो गया। ये एक पॉट में हो रहा है, वो जो बड़ा सा पॉट है मेरे पास, मैं कई बार दिखा चुकी हूँ, मॉस ग्रास के साथ में अटैच करके मैंने इसे लगाया हुआ है। इसके लगाने के मुझे दो फायदे हुए, एक तो ये हैंगिंग पॉट तैयार हो गया और दूसरा जिस पॉट से मैंने इसकी कटिंग निकाली है ना, उस पॉट में एक एक ब्रांच में कई कई ब्रांचेज आ गई हैं, यानी कि वो बुशी हो गया है। कटिंग करने की वजह से घना घना निकल के आ रहा है, जो कि मुझे वो प्लांटर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो अभी मैंने हैंगिंग पॉट बनाने की कोशिश करी है, वो भी काफ़ी खूबसूरत निकल के आया। आप देख सकते हैं एक एक ब्रांच अलग अलग है, मैंने 4-5 ब्रांचेस इसमें लगाई थी और सारी की सारी अच्छी निकल के आई हैं। और गाइज मैंने इसको हैंग कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये मॉन्स्टेरा का प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट चलता है। बस इस प्लांट्स में आप मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, इसको मॉइस्चर हमेशा मिलता रहे, तो ये मॉइस्चर के साथ साथ बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा। तो आप जब भी इस प्लांट्स को लगाते हैं तो इसके पॉट में पानी देने के अलावा इस पर पानी से स्प्रे भी करें। स्प्रे करने से इसको मॉइस्चर मिलता रहेगा और उस मॉइस्चर की वजह से ये प्लांट्स काफ़ी अच्छा निकल के आएगी। तो जब भी सूखी हवा चल रही हो गाइस, तो इसके मॉइस्चर का ख्याल रखें। और ये सेमी प्लेस में चलने वाला प्लांट्स है, अगर धूप इसको लग जाती है तो ये बर्निंग आ जाती है इस प्लांट्स में, यानी कि इस प्लांट्स की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। तो इस प्लांट्स को भी मैंने फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो अभी तक तो जब से एक मंथ हो गया कटिंग लगाए, अब तो अभी तो मैंने इसमें कोई भी मैंने इसके अंदर फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है तो बरसात में तो वैसे भी किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, प्लांट्स अपने आप ही बहुत अच्छे चल जाते हैं। हाँ, अगर फर्टिलाइज़र देती भी हूँ तो फिर मैं फ्रूट्स वाला जो घर में ही अपने बना लेती हूँ किचन वेट से, वो फर्टिलाइज़र या कंपोस्टिंग जो किचन से निकलती है हमारे गार्डन से, वो ही डालना पसंद करती हूँ अपने प्लांट्स में। बट अभी तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं गया है इस खूबसूरत मॉइस्चरा प्लांट्स में, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। और प्लांट से प्लांट्स बन गया, और जब फ्री में हमें कोई प्लांट्स मिलता है, अभी नर्सरी में आप लेने जाएंगे तो इतना प्लांट आपको तकरीबन 200 रुपये का माली भैया देंगे, क्योंकि जब मैं लाई थी तो दो लीव्स लगी हुई थी बहुत छोटी छोटी, और उसके साथ में मुझे 100 रुपीज़ का मिला था। ये प्लांट्स बहुत महंगे मिलते हैं और अभी मैंने प्लांट से प्लांट्स ग्रो कर लिया है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हम गार्डनिंग से प्लांट्स बना लेते हैं और हमारी जो कटिंग है वो सक्सेस हो जाती हैं, तो हमें तो ऑलरेडी इतना मज़ा आ जाता है जैसे कि कोई ख़जाना मिल गया हो। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसकी लीव्स, हेल्दी प्लांट्स लग रहा है एकदम कटिंग से लगा हुआ। तो गाइस ये कटिंग से बहुत अच्छा लग जाता है, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, आप भी इसको कटिंग से लगा लें। इसका बस इतना ही ध्यान रखें कि रूट्स इसकी आपको दिखाती हूँ मैं दूसरे। ये देखिए, जब भी आप इसकी कटिंग लगाने की कोशिश करें तो वहाँ से लें जहाँ पर इसकी इस तरीके की रूट्स हों, बस एक ही कटिंग काफ़ी है, लगा लें इस तरीके की रूट्स होनी चाहिए जो कि इसमें है। ये देखिए, तो अभी ये मॉस ग्रास के साथ में अटैच है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और तो गाइस बस इतना ही कहना चाहूँगी आपको इस प्लांट्स के लिए कि आप भी इस प्लांट्स को लगाएं, बहुत ही हेल्दी प्लांट्स है और बहुत ही आसानी से चल जाता है। और बस दो ही ट्रिप्स इसकी काफ़ी हैं, एक तो इसको सेमी प्लेस में रखें, दूसरा इसको मॉइस्चर प्रोवाइड कराते रहें आपके गार्डन में, ये हमेशा हेल्दी प्लांट्स बना रहेगा, इससे ज़्यादा इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी खूबसूरत प्लांट्स की डिटेल अच्छी लगी हो गाइस, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आप मेरे चैनल पे अगर आ गए हैं तो। आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी गाइस, बहुत टाइम से वीडियोस डाल रही हूँ और वॉचिंग टाइम भी बहुत कमी रह जाती है, हर साल 4000 घंटे मुझे ग्रो करने होते हैं, मतलब इकट्ठा, जो कि नहीं हो पा रहे हैं, मेरे चैनल पे व्यूज़ कम आते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मैं आपको ही गार्डनिंग की डिटेल देती हूँ, कम से कम बजट में अच्छे से अच्छे प्लांट्स को हम अपने गार्डन में कैसे ग्रो कर सकते हैं, मैं उस चीज़ की जानकारी आपको हमेशा देती रहूँगी। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी अच्छी सी डिटेल के साथ।
तब तक एंजॉय दिस वीडियो, बाय फ्रेंड्स।